लड़की को किस करना चाहते हो, लड़की को फर्स्ट टाइम जा रहे हो किस करने के लिए और आपको डर लग रहा है। अगर आप फ्रेंड ये चाहती हो कि लड़की को किस करना चाहिए और लड़की मेरे को नेक्स्ट टाइम खुद किस करे, तो फ्रेंड आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो का पार्ट टू है, आपने पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, चाहो तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट भी कर सकते हो इसका पार्ट वन, तभी आपको फ्रेंड पार्ट टू समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि लड़की को किस करते समय आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से वो लड़की आपको नेक्स्ट टाइम किस नहीं करती। आप इसकी वजह से लड़की से किस करते समय डरते हो, घबराते हो और कभी लड़की के सामने कंफर्टेबल होकर किस नहीं कर पाते, ठीक है मेरे भाई। तो ये पूरी बात मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, तो वीडियो में बढ़ेंगे आगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना भाई प्लीज, मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की। सबसे पहली गलती जो किस करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वो होता है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम तक किस करना। लड़की कह रही है कि हटो यार, हो गया ठीक है, बस करो यार, मतलब ये क्या तुम तो लगे ही पड़े हो यार, मतलब अंदर से हवस तक दिखा देते हो आप उसे। तो भाई लड़की नेक्स्ट टाइम ना कभी आपको किस नहीं करना चाहिए। लड़की बहाने ढूंढेगी आपको किस ना करने के। लड़की हमेशा कहेगी मुझे किस करना पसंद नहीं है यार, तुम चाहो तो माथे पे किस कर सकते हो, गाल पे किस कर सकते हो, हाथ पे किस कर सकते हो, मगर मुझे लिप्स पे किस करना पसंद नहीं है। अगर आप लड़की को बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हो किस करने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की को ऐसा लगे कि आपका नेचर उसके हवस से जुड़ा हुआ है, आपका नेचर उसको खाने का है ना कि उसको प्यार करने का। तो फ्रेंड ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक किस आपको नहीं करनी चाहिए। चलो अब सवाल उठता है कि कितने टाइम तक किस करनी चाहिए और कितने बार किस करना चाहिए, वो तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे फ्रेंड कि आपको कितने बार किस करना है। मगर फ्रेंड कम से कम 5 से 10 सेकंड की किस होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 1.5 से 2 मिनट तक लगे पड़ो, इससे भाई क्या होगा, लड़की के अंदर हार्मोन जाग जाएगा, लड़की का मूड बन जाएगा, तो भाई सोचो क्या होगा इसमें, है ना। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि लड़की को कभी लॉन्ग टाइम तक किस नहीं करनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी नेचर का पता चलता है, आपके हवस का पता चलता है, और लॉन्ग टाइम तक किस करने से वो लड़की भी साथ कंफर्टेबल फील ना करे कि हो गया ना, बस करो ना, छोड़ो ना, ठीक है समझो। तो भाई भाई थोड़ी सी बुद्धि दौड़ा लो, ठीक है। तो ये था पहली गलती जो आपके आपको नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं दूसरी गलती, सेकंड गलती जो कि आपको नहीं करनी चाहिए लड़की को किस करते समय, कि लड़की को डायरेक्टली किस मत करो भाई, लड़की को एकदम से किस मत करो मेरी जान। इससे ये होता है कि लड़की कंफर्टेबल तो फील करती नहीं है, उसके बजाय लड़की भाग और जाती है, डर भी जाती है, कई बार तो वो आपसे दूर बैठने लग जाती है कि दूर रहो तुम उससे, तुम्हारे अंदर ये क्या चीज़ आ गई है। तो सबसे पहले लड़की से रोमांटिक बातें करो, रोमांटिक हरकतें दिखाओ, थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग चला सकते हो, अगर आप कहीं प्राइवेट प्लेस पे मिल रहे हो तो थोड़ा सा रोमांटिक माहौल क्रिएट करो, उसे प्यारी प्यारी बातें करो, उसे अच्छे अच्छे मोमेंट याद दिलाओ, और किस वाली खासकर ऐसी कोई बातें करो कि किस करते समय क्या होता है यार, किस करते में क्या मिलता है, किस होने के बाद ऐसा क्यों फीलिंग आती है, चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं, लाइक कुछ ऐसा। लड़की को समझाओ कि आप उसे किस करना चाहते हो। डायरेक्टली लड़की के ऊपर अगर आप टूट परोगे तो मेरे भाई लड़की आपको कूट देगी। कूट देने से मेरा मतलब है आपको छोड़ देगी, आपसे दूर हट जाएगी। तो लड़की को सबसे पहले कंफर्टेबल फील करवाओ मेरी जान, लड़की को महसूस करवाओ कि आप उसे किस करना चाहते हो। इतना टाइम नहीं होता है मुझे पता है, मगर फिर भी भाई ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। तीसरी गलती, लड़की को किस करने से पहले आप अगल बगल का माहौल चेक करो, आप एरिया कौन सी एरिया में हो, कौन सी जगह में खड़े हो, क्या कंफर्टेबल है वहाँ पे किस करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, खासकर ये सब चीज़ का तो ध्यान रखो मेरी जान। ऐसा नहीं है कि आपने उस लड़की को किस तो कर दिया मगर कहीं भी कर दिया, कहीं भी शुरू हो गए, भाई इस तरीके से नहीं होता है किस। मैंने बहुत बार देखे पार्कों में शुरू हो जाते हैं, बहुत बार देखे कोई मूवी देखने जा रहे हो किसी कोने में बैठ के वहाँ शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं भाई। इससे ये पता चलता है कि आप हवस से भरे हुए, ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है kailashrai2.0, पूरी बातें एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, ठीक है। और जहां तक सवाल रहे कि सर आप मेरे मैसेज का तो रिप्लाई करते नहीं हो, सर मैं आपको फॉलो क्यों करूं, तो मेरी जान सबके मैसेज का रिप्लाई नहीं की जा सकती यार, आप एक बार में बहुत लोग मैसेज करते हैं, आप पूरी बात एक्सप्लेन कर दो, मैं जल्दी टॉपिक को कवर करूंगा, ये भी वही टॉपिक मैंने कवर किया है। तो डिपेंड करता है आपके पूरे एक्सप्लेन करके मैसेज करने पे, यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ठीक है। अगर आप वीडियो यहाँ देखने में अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना भाई, और भाई शेयर करना दोस्तों इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, चेक करो भाई ऑल पर प्रेस है कि नहीं है, पर यार शेयर करना भाई, शेयर प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।